हेलो एवरीवन आई एम सार्थक सीनियर फैकल्टी अभिमन्यू वाई एस तो एज यू ऑल नो अब अपना एच एस एक्सपेरियंस बहुत ही नियर है राइट एलेवंथ फेबररी को हमारा एच एस का पेरियंस होने वाला है तो हार्डली यू हैव अराउंड फिफ्टीन डेज लेफ्ट फॉर दैट तो अब आपको गियर अप होने की बहुत ज़रूरत है राइट नाउ यू जस्ट नीड टू रिवाइज एंड फोकस ऑन द एम सी क्यू पार्ट जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने अटैम्प्ट करने की अब ज़रूरत है जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए एक बार दो बार तीन बार जितनी बार हो सके उतनी बार आपको रिवाइज करना है आपका फोकस पूरा का पूरा उस पर रहना चाहिए डोंट नीड टू वरी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चीजों की स्ट्रेस में नहीं आना बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना आपको अपनी प्रिपरेशन में फोकस करना है आपको उस चीज़ पे फोकस करना है कि हम करना क्या है इन इज थिंकिंग अबाउट कि एग्जाम नहीं है एग्जाम आने वाला एग्जाम आने वाला है इट वॉन्ट हेल्प यू आउट वो बिल्कुल भी कुछ उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको सिर्फ अपने अपने एक्शन जो वो करना चाहिए उस पर फोकस करना है कि जितना मैंने पढ़ा है फटाफट रिवाइज करना है और एमसीक्यूज लगाने जितना ज्यादा हो सके राइट तो उसी इनी, आपकी उसी चीज को हेल्प करने के लिए इजी करने के लिए हम आपके सामने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेके आए हुए हैं जिस इज नोन एज अभ्यास टू पॉइंट हो जहां पर हम जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं इनफैक्ट टॉपिक्स भी डिस्कस होते हैं बीच बीच में बट जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं सारे के सारे टॉपिक्स से फिर चाहे आपका स्टैटिक वाला पार्ट हो चाहे आपका करंट अफेयर वाला पार्ट हो स्टैटिक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी होगी जोग्राफी होगी अपनी हिस्ट्री इकोनॉमी साइंस एंड टेक राइट आपकी सी, सी साइड वाला जो पार्ट है आपका इंग्लिश क्वांट रीजनिंग सब कुछ कवर होता है हरियाणा जी के तक कवर हो रही है ऑल यू वी वॉन्ट इज जस्ट यू टू स्टे कनेक्टेड विद अस हमारे साथ जुड़े रहिए और आपकी जितनी जिस भी तरीके से हेल्प हो सकती है वी आर हेयर टू डू ये हमारा फ्री इनिशिएटिव भी चल रहा है इसके अलावा वी हैव बंडल ऑफ आल्सो फॉर यू जिस जो भी आपको सही लगे हमारा सब्सक्रिप्शन चल रहा है पूरा फुल कोर्स का सब्सक्रिप्शन है राइट वी हैव द टेस्ट सीरीज राइट वी हैव एवरी जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट राइट विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन नाउ लेट स्टार्ट अवर टूडेज आज की जो हमारी वीडियो है ये पॉलिटी के ऊपर है पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एमरजेंसी प्रोविजंस आज उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे और साथ के साथ उस टॉपिक को पढ़ने की भी कोशिश करेंगे के right? के के आपके सारे के सारे डाउट आज हो जाएंगे इस छोटे से lecture के साथ ही, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ओके बस बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन लेट मी रिमाइंड यू अबाउट वन थिंग आपको प्रोटोकॉल जो है अपना प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करना है राइट इमरजेंसी प्रोविजन आप क्वेश्चंस का आपको क्वेश्चंस को देखते ही ना सीधा वीडियो को करना है पॉज वीडियो को पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है ट्राई टू तो आंसर इट बाय योरसेल्फ बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तभी दिमाग चलना भी स्टार्ट होगा देन व्हाट विल यू डू उसके बाद वीडियो को स्टार्ट प्ले करेंगे आप देखेंगे कि आपका आंसर करेक्ट था या इनकरेक्ट इफ इट वॉज करेक्ट वेल एंड गुड इफ एन करेक्ट देन यू विल हैव टू फाइंड कि आपने गलती कहाँ पर करी क्या कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे थे क्या आपने पढ़ी हुई चीजों को तो नहीं भूल रहे थे कि आपको टॉपिक ही नहीं पता मतलब आपको टॉपिक पढ़ने की ही जरूरत है अच्छे जिसका मतलब जिस भी टाइप की मिस्टेक है राइट देन एंड देयर वहीं के वहीं उस चीजों को सॉर्ट आउट करना है उसी टाइम आपको देखना है क्या गड़बड़ है क्या नहीं आप अपनी गलतियों से बहुत अच्छे से सीखेंगे हमेशा की बात दैट इज द रीजन आई एम सजेस्टिंग यू टू गो अबाउट दिस वे फॉर दिस वीडियो नाउ विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशन लेट स्टार्ट थोड़ी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें आपको राइट एमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड ओके कि आपके एमरजेंसी प्रोविजन कौन से पार्ट के अंदर है ये आपके एमरजेंसी प्रोविजन राइट आर्टिकल्स थ्री फिफ्टी टू से लेके थ्री सिक्सटी देर आर बेसिकली थ्री टाइप ऑफ एमरजेंसी प्रोविजन एमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल एंड द थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल थ्री सिक्सटी ओके बट वी विल डील हम

just hold on a second okay so first the president can declare this only after written recommendation of the entire cabinet okay option b a proclamation can be subject to judicial review okay then a proclamation must be approved by both houses within 1 month by a special majority राइट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब राइट चलो एक एक करके देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे यहीं से सीखने वाली बात है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसके बारे में नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है इसको राधर आई शुड से

कौन करेगा ये फर्स्ट तो प्रेसिडेंट साहब करेंगे हमारे द एग्जीक्यूटिव हेड हमारे जो है स्टेट के जो हेड होते हैं प्रेसिडेंट साहब करते हैं बाय द वे इमरजेंसी एक बात है कि इमरजेंसी नॉर्मल सिचुएशन के लिए नहीं होती इमरजेंसी का मतलब है कि आपकी कंट्री के अंदर एक ऐसी एबनॉर्मल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज होगी है जब चीजों को गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना बहुत जरूरी हो गया राइट फॉर एग्जाम्पल अगर वॉर की सिचुएशन हो गई है या आपको गवर्नमेंट को लग रहा है कि वॉर हो सकती है किसी भी टाइम तो उस टाइम पे क्या करेंगे वो उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं वो कौन सेंटर कर सकता है और उससे होगा क्या सारा कुछ सेंटर के कंट्रोल में आ जाएगा हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना सेंटर और स्टेट्स अब वो सेंटर स्टेट्स ना रहकर सिर्फ सेंटर हो जाता सारा कुछ वो क्यों करा जाता है बिकॉज एमरजेंसी सिचुएशन ही है वो सिचुएशन ही ऐसी है कि अगर एक सेंटर के हाथ में सब कुछ रहेगा तो चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना इजी रहता है वरना अगर स्टेट्स की आपको साथ में छोड़ दिया जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी कोऑर्डिनेट करने में ज द रीजन सारा कुछ सेंटर अपने हाथ में लेता है के कौन कौन इस सिचुएशन के अंदर ऐसा हो सकता है फर्दर क्वेश्चन के अंदर देखते चले दे जाएंगे राइट right? बट आपको एग्जाम्पल दिया वॉर के केस में होता है जनरली राइट ओके नाउ कौन करेगा डिक्लेयर और हाँ सिर्फ और सिर्फ यहां पर डिक्लेरेशन जो बोल रखी है प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी प्रोक्लेमेशन का मीनिंग क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या ब्रिटेन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ब्रिटेन के अंदर क्या होता था प्रोक्लेमेशन होती थी राजा अगर ऐसा कुछ डिक्लेयर करना होता था राजा को कि भाई बहुत वॉर वॉर और डिक्लेयर करनी होती थी कहीं पर कि वॉर कोई दूसरा अटैक कर रहा है तो उस टाइम पे राजा साहब का एक ऐसे चार्टर आता था, था रोलर साहब उसके में लिखा होता था प्रोक्लेमेशन तो ये वहीं से इंस्पायर्ड है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के लिए ये वर्ड यूज हुआ हुआ है राइट ओके अब इसके प्रोविजन क्या होते थे अब इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो वो इसका प्रोसीजर क्या है प्रेसिडेंट करेगा डिक्लेयर मतलब प्रोक्लेम प्रेसिडेंट ने कर दिया प्रोक्लेम अब ये जो प्रेसिडेंट को जो प्रोक्लेम करना है अभी क्वेश्चन हमारा यहीं तक पूछ रहा है कि प्रोक्लेमेशन का प्रोसीजर क्या है प्रोक्लेमेशन तक का क्या प्रेसिडेंट अपने आप कर सकता है इसको अपनी मर्जी से तो ऑब्वियसली नो प्रेसिडेंट अपने आप अप कभी कुछ नहीं करता प्रेसिडेंट वर्क्स ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉर्म प्रेसिडेंट जनरली हमेशा अंडर आर्टिकल सेवेंटी फोर हमने पढ़ा है आर्ट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप तो उनका पत्ता भी नहीं हिलता बट यहां पर एक स्पेशल प्रोविजन और ऐड कर रखा है सिर्फ और सिर्फ यहीं पर क्या कि प्रेसिडेंट को अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो इट कैन डिक्लेयर ओनली ऑन ओन द रिटर्न रिकमेंडेशन रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है कैबिनेट वर्ड यूज किया हुआ है यहां पर और रिटर्न भी है क्यों कब किया था पहली बात ये फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था ये प्रोविजन इनिशियली नहीं था ये एक सेफ गार्ड है बेसिकली क्यों हुआ था बिकॉज इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी तो उन्होंने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक से रिकमेंडेशन नहीं ली थी किसे जाके बोल देता प्रेसिडेंट साहब को तो इसी चीज को इंश्योर करने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर खाली अपने मर्जी से ना करे पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्पेशली जो कैबिनेट है उसके साथ डिस्कस करके उनकी परमिशन लेने के साथ तभी रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए पूरी की पूरी कैबिनेट की ना कि पीएम की सारे के सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं विच हेडेड बाय द पीएम एम सबकी रिटर्न सिग्नेचर होंगे तभी प्रेसिडेंट के पास जाएगी ये कि इमरजेंसी डिक्लेयर करो अब आ रही बात समझ में तो ये प्रोविजन है राइट एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या इस प्रोक्लेमेशन पे ये जो रिकमेंडेशन आ रही है यहां पर कैबिनेट से कैसे जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है तो यस जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल जुडिशरी कैन डेफिनेटली आस्क जुडिशियल रिव्यू इज डेफिनेटली पॉसिबल राइट सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी सिलेक्ट सी

अब ये प्रोक्लेमेशन को चाहिए क्या पार्लियामेंट्री अप्रूवल इट रिक्वायर्स अ पार्लियामेंट्री अप्रूवल राइट इट रिक्वायर्स अ पार्लियामेंट्री अप्रूवल एज वेल बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बात नहीं बनेगी और पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितने टाइम में लेना होगा विद इन वन मंथ एक महीने के अंदर अंदर और अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेज बाय बोथ द हाउसेज मतलब लोकसभा भी और राज्यसभा दोनों के थ्रू होना चाहिए एज वेल एज विद वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए दोनों के दोनों हाउस के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए बिल्कुल चाहिए विद इन एक महीने के अंदर अंदर चाहिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल का मतलब दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा इंडिविजुअली दोनों से अप्रूवल चाहिए और दोनों के दोनों के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए तभी कर सकते हैं तभी यह प्रोक्लेमेशन जायज हो पाएगी लग पाएगी वरना नहीं लगेगी

कि आपको एमसी के उसके थ्रू टॉपिक में समझ में आ जाए अगर अभी तक कोई डाउट था आपका सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए लॉजिकली चीजों को समझाने की ट्राई करी जा रही है रटवाना नहीं है चीजों को कि लाइक रिटर्न वर्ड क्यों आया रिटर्न रिकमेंडेशन क्यों चाहिए कैबिनेट की कैबिनेट वर्ड कहां से आया तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछू कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर कैबिनेट वर्ड लिखा हुआ है तो आंसर होगा डेफिनेटली येस एमरजेंसी में दिखाया ना आपको आर्टिकल थ्री के अंदर और फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट से एड किए हुए दोनों के दोनों वर्ड

अ प्रोक्लेमेशन कैन बी रिवोक बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम ओके बी नीड्स पार्लियामेंट रेटिफिकेशन ओके लोकसभा कैन फोर्स रेवोकेशन बाई अ, इट विद अ सिंपल मेजोरिटी एंड ऑप्शन डी इज ऑल चलिए देख लेते हैं इसको भी ओके okay. हमने प्रोक्लेमेशन वाला प्रोसीजर समझ लिया राइट right? अब रिवोकेशन कैसे होती है रिवोक करना हो रिवोक करने का मतलब है हटाना अब को हटाना, so, कौन करेगा revoke, क्या था? को बनाया गया था, उसके अंदर सिर्फ प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी इसको रिवोक करने की कि एक रिवोकेशन वाला रिवोकेशन का. कि रिवोक कर दो और रिवोक कर दिया जाता था सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर थी ऑब्वियसली प्रेसिडेंट मतलब

रेजल्यूशन पास कर दे रेजोल्यूशन पास कर दे टू रिवोक और रेजोल्यूशन जो पास करेगा ये रिवोकेशन वाला ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे तब भी क्या हो जाएगी आपकी रिवोकेशन हो जाएगी आ रही बात समझ में एक चीज पे यहां पर ध्यान देना है आपको कि जो प्रेसिडेंट जब रिवोक कर रहा है ना इंडिविजुअली खुद मतलब वॉलेंटियरली जब प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं हटा दो

जब सिर्फ प्रेसिडेंट बोल दे कि भाई रिवोक करना है इस वाले को पार्लियामेंट्री अप्रूवल बिल्कुल नहीं चाहिए से दूसरा तरीका जब लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि भाई भाई सिंपल से पास कर दिया इमरजेंसी को हटाओ उस केस में प्रेसिडेंट को हटानी पड़ेगी इमरजेंसी डेफिनेटली उस केस में हटानी पड़ेगी आ रही नहीं आ रही बात समझ में आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू क्या डिफरेंसेस हैं सब चीजों में राइट ओके सो नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन ओके अब प्रोक्लेमेशन न बी रिवोक बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम यस वो किसी भी टाइम कर सकते हैं कोई डीड पार्लियामेंट रेटिफिकेशन आपको parliament की कोई ratification की नहीं है, वाले में. जब करनी है जब लगानी है लागू करनी है उस टाइम चाहिए लोकसभा कैन फोर्स द रेवोकेशन बाई डिसंपल मेजोरिटी ये अभी देखा है अब

स्टेट लिस्ट ओके ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नन राइट ओके तो नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या होगा बेसिकली सारा एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव वगैरह सब कुछ नहीं अब सिर्फ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है राइट right? सब कुछ सेंटर के हाथ में है सेंटर के बिहाफ पे सारे स्टेट एग्जीक्यूटिव वगैरह चलेंगे डिसमिस कुछ नहीं किया जा रहा इट्स नॉट लाइक कि सारी स्टेट गवर्नमेंट सारी सरकारें हटा दी वो चल रही होती है लेकिन सब कुछ सेंटर के पास है माई बाप सेंटर बन जाता है पूरी पावर सेंटर के पास आ जाती है ये तो होती है एग्जीक्यूटिव की बात और जब बात आती है की तो उसमें क्या होगा आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, है लेकिन इमरजेंसी के टाइम नेशनल क्या होगा स्टेट लिस्ट है उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट डेफिनेटली लॉ बना सकता है कोई रोक टोक नहीं होगी उस उस केस में कोई रोक नहीं सकता उस टाइम पे यस और नो आ रहे की नहीं बात समझ में यही सिंपली आप समझ सकते हैं कि सेंटर सब कुछ है स्टेट के पास कुछ नहीं अब सेंटर के पास है चाहे लेजिस्लेटिव पावर हो चाहे एग्जीक्यूटिव पावर हो सब कुछ सेंटर के हाथ में आ जाएगा एग्जीक्यूटिव पावर हो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करेगा लेजिस्लेटिव पावर में ऑब्वियसली सेंट्रल लेजिस्लेचर जो कि हमारा पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करता है मतलब वो स्टेट लेकिन किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ डेफिनेटली बना सकता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये भी सही है ये भी सही है डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज बोथ ए एंड बी राइट दिस इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी राइट ओके आंसर इज सी नेक्स्ट नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के थ्रू ही हम टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं विच इज ट्रू रिगार्डिंग दफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है राइट बिकॉज फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पार्ट थ्री के अंदर है अपने आर्टिकल ट्वेल्व टू थर्टी फाइव

राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है ऐसे छह right के छह जो फंडामेंटल राइट है सबके साथ में बकायदा आर्टिकल नंबर से मेरे को चाहिए आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं सो दैट आपकी रिविजन भी होगी इसके साथ ओके नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन विच इज ट्रू रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट फर्स्ट ऑप्शन है आपका राइट टू फ्रीडम आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ओके अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर न बी पास डिस अलाउंग पीपल फ्रॉम सीकिंग जुडिशियल रेमिडी टू एनफोर्स अदर फंडामेंटल राइट सी इज बोथ ऑप्शन डी इज नो इसको समझने के लिए ना फंडामेंटल राइट पर क्या इफेक्ट पड़ता है आपको दो आर्टिकल जरूर पता होने चाहिए आर्टिकल ओकेट बोर्ड फंडामेंटल राइट्स का जो इफेक्ट है ये दो आर्टिकल्स आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए वन इज आर्टिकल 358, अदर इज आर्टिकल 359, राइट लेट्स डिलीट वन बाय वन पहले देखते हैं आर्टिकल 358. आर्टिकल 358 टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन आर्टिकल 19, विच इज आवर राइट टू फ्रीडम जो है अपना राइट आर्टिकल 19 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल 358 उसके बारे में बात करता है तो क्या पड़ता है वोट इट सेज कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी आपकी हो गई डिक्लेयर आर्टिकल 19 विल गेट ऑटोमेटिकली सस्पेंड आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है एक सस्पेंड हो जाता है सॉरी जैसे ही आपकी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी ओरिजिनली ये वाला प्रोविजन था ओरिजिनली ये वाला प्रोविजन था कि जैसे ही आर्टिकल आपकी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी आपका आर्टिकल नाइनटीन ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा बट फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट ने एक सेफ गार्ड इसके अंदर ओवर एड किया क्या कि अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है ना अगर वो इंटरनल इमरजेंसी एमर्जन, नेशनल है इंटरनल वाली है इंटरनल वाली कौन सी होती है जो कि आर्म रिबेलियन के बेसिस पे होती है राइट आर्म रिबेलियन नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर फॉर ऑन थ्री ग्राउंड तीन ग्राउंड पे आपकी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है राइट फर्स्ट है आपकी वॉर का अगर केस हो सेकेंड है अगर आपकी एक्सटर्नल एग्रेशन हो मतलब या तो लड़ाई डिक्लेयर कर दी दोनों पार्टी दोनों कंट्रीज uh, ने इंडिया मान लो पाकिस्तान है बॉर्डर पे खड़े हैं इंडिया पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया आपस में कि हम वॉर कर रहे हैं ये तो सिंपली वॉर उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी होएगी एक केस होगा एक्सटर्नल एग्रेशन कि दोनों डिक्लेयर नहीं कर रहे बट चल रही है लड़ाई एक तरीके से वो उधर से वार कर रहे हैं उधर से लेकिन डिक्लेयर कुछ नहीं कर रहे किसी भी टाइम हो सकती है तो वो वाला केस होता है आपका एक्सटर्नल एग्रेशन का इन दोनों के बेसिस पे अगर एमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है उस एमरजेंसी को बोला जाता है एक्सटर्नल एमरजेंसी इसके अलावा एक तीसरा केस भी होता है विच इज इनिशियली उसको इन, इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा हुआ था बट उसको भी फोर्टी अमेंडमेंट के थ्रू चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन लिख लिया गया था कि अगर आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही अगर एक आर्म रिबेलियन हो गया मतलब सिविल वॉर वाली सिचुएशन बन गई लोगों ने हथियार उठा लिए सिटीजन ने तो उस केस में भी एमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है उसको बोलते, right? उसको बोलते हैं तो क्या इंटरनल इमरजेंसी, राइट उसको बोलते हैं इंटरनल आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं हो सकता उस टाइम पे आर्टिकल 19 को आप नहीं छेड़ सकते वो रहेगा उसको वो सस्पेंड बिल्कुल भी करा नहीं जा सकता इतनी बात समझ में आ गई अब मैं यहाँ पे बात करूं सस्पेंड किया जाने की सस्पेंड किए जाने की

सस्पेंड हो जाएंगे हो जाएंगे आपके सस्पेंड बट कि आप जो अपने प्रेसिडेंट साहब है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर आर्टिकल ट्वेंटी और आर्टिकल ट्वेंटी वन को नहीं इंक्लूड कर सकते आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल ट्वेंटी वन इनको किसी भी केस में सस्पेंड नहीं किया जा सकता ये सेफ रहते हैं एमरजेंसी के टाइम पे चाहे कोई सी भी एमरजेंसी हो चाहे इंटरनल लो एक्सटर्नल लो कोई भी हो आर्टिकल ट्वेंटी को छेड़ा नहीं जा सकता और इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे तो आर्टिकल 19 को भी नहीं छेड़ा जा सकता राइट सो so, ये प्रोविजन है अपने आर्टिकल 358 फिफ्टी एट एंड थ्री और ये इफेक्ट पड़ता है फंडामेंटल राइट के ऊपर राइट प्रेसिडेंशियल अपने प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकता है इसको भी मन करें जो सभी फंडामेंटल को सही लगे प्रोवाइडेड आर्टिकल थ्री और थ्री को दिमाग में रखते हुए चीजों को लेकर चलना है राइट ओके तो यस तो राइट अब ऑप्शन देखते हैं राइट टू फ्रीडम आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड यस अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कैन बी पास पीपल फ्रॉम सीकिंग जुडिशियल रेमिडी टू एनफोर्स अनदर फंडामेंटल राइट डेफिनेटली आर्टिकल थ्री है ना ये और ये क्या है अपना थ्री फिफ्टी एट देन बोथ नन तो आंसर क्या होगा डेफिनेटली ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शंस राइट so this was it for question number four so the correct answer will be option c right so correct answer will be option c that is both right okay right so with this we have reached the end of our today's video but i have a very uh, sorry, important information with you to share अगर आपने अभी तक भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं सब्सक्राइब करी है तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़ आई कैन रिक्वेस्ट यू राइट नाउ कि टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब कर ले अगर आप एक्चुअली प्रीलिम्स लिखने वाले हैं और प्रीलिम्स के लिए एक्सपायर कर रहे हैं एच एस बनने के लिए एक्सपायर कर रहे हैं सो इट इज़ हाई टाइम नाउ राइट मॉक टेस्ट जरूर लिख के जाने बिना मॉक टेस्ट के बाद नहीं बनेगी तो आपके लिए इसी चीज़ों को आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके सामने लेके आया हूँ अभी SCS की कर चुका है, राइट ऑलरेडी बहुत बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया इस पे अगर आप भी अभी तक नहीं करा तो काइंडली यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट राइट द प्राइस इट इज वेरी अफोर्डेबल एट रुपीज सिक्स हंड्रेड आपको पूरे छब्बीस टेस्ट मिलेंगे इसके अंदर आपका सी सेट जीएसलूडेड सेट के आपके सेक्शनल टेस्ट इंक्लूडेड है जीएस के आपके सेक्शनल टेस्ट इंक्लूडेड है सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट इंक्लूडेड है जीएस के फुल लेंथ टेस्ट इंक्लूडेड है, कुछ covered है covered here, सब कुछ कवर्ड है हरियाणा right? जीके से लेके आपके पॉलिटिक्स एवरी सब्जेक्ट इज कवर्ड अंडर हेयर करंट अफेयर वगैरह सब कुछ यू डोंट नीड टू गो एनीर कम्प्लीट सोल्यूशन मॉक टेस्ट राइट इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा इफ यू हैव एनी क्वेरी उसके लिए सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है सपोर्ट नंबर पे कॉल करके चाहे आपको इस कोर्स से रिलेटेड हैल्सो चाहे आपको किसी कोर्स से रिलेटेड भी है हमारे कई सारे मल्टीपल कोर्सेज भी हैं आपको जो भी कंफर्टेबल लगे जो भी आपको जरूरत है रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली यू कैन सब्सक्राइब अप फॉर दैट राइट आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं हमें राइट सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड आई सिंसियरली होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस सो विद दिस आई विश यू अगेन गुड लक फॉर योर एग्जाम सो टेक केयर एंड बाय बाय थैंक यू